हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट मानस क्लिनिक टैगोर नगर लुधियाना से। मैं आप सबका यूट्यूब लाइव स्वागत करता हूँ। हेलो एवरीवन। तो दर्शकों, आज का हमारा बहुत ऑफ टॉपिक है, सब्जेक्ट को हटके है। आज मैं डिस्कस करूँगा ट्रैवल और टूरिज्म के बारे में। ट्रैवल का बेनिफिट्स क्या होता है लाइफ में और टूरिज्म क्यों करनी चाहिए। देखिए, आज मैं सुबह निकला दिल्ली से और मैं पहुँचा सुबह यहाँ पे भूटान की सिटी में पारो में पहुँचा, और घंटा पहले मेरी फ़्लाइट लैंड की है। पारो, इसकी पॉपुलेशन 7 लाख, भूटान की टोटल पॉपुलेशन है 7 लाख। बहुत अच्छा सिटी है, बहुत अच्छा हिली एरिया है। अभी हम टेंपल में हैं, अभी हम उस एरिया ब्रिज में हैं जो 15th सेंचुरी में किंग ने बनाया था। हमारे साथ बहुत अच्छे गाइड भी हैं। मेरी वाइफ को मैं वेलकम करना चाहूँगा। आइए ज्योतिका जी, आप बताइए। तो अब आप बताइए कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपने भाई कैसा लग रहा है आपको इंडिया की गर्मी से यहाँ इतने कूल प्लेजेंट वेदर में आके बहुत मज़ा आ रहा है। दिस इज़ आवर फैमिली ट्रिप एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। यहाँ पे हमें हिस्टोरिक प्लेसेस, यहाँ के काम कंपोज, इतने पैशनेट लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, एंड यहाँ पे आके वी लुक फॉरवर्ड टू एन एडवेंचरस ट्रिप। हम यहाँ पे 6 डेज के लिए आए हैं, तो एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखाना चाहूँगा जहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे ढेरों ढेर माउंटेन्स हैं, ऊंची ऊंची बारिश हल्की हल्की। हम पारो और थिम्पू के बीच में खड़े हैं। थोड़ी देर में, घंटे में थिम्पू पहुँचेंगे। थिम्पू कैपिटल है भूटान की। ये मैं आपको पूरा व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये लेक है, इसको पाथू बोलते हैं क्योंकि ये पारो से निकल रही है, और चू मीन्स लेक, तो लेक है इसकी वो खास फेमस। तो दर्शकों, ये अभी मेरा थोड़ा सा वीडियो है, आप इसको देखिए, बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।